हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी। तो रोजाना की तरह हम आज भी आपके लिए एक डाउट सेशन लेके आए हैं और इस डाउट सेशन के दौरान हम नीट के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं हम उनको सॉल्व करते हैं और उनका आंसर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है स्मॉल टी मीन्स विद कैपिटल टी स्मॉल टी व्हाट विल बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफिस पेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो जीनोटाइप है एक पेरेंट का वो स्मॉल टी है, यानी कि उसकी जो स्टेम्प है उसकी जो हाइट है वो कैसी है, शॉर्ट है, और जो दूसरा पेरेंट है उसका जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, यानी कि वो कैसा होगा, स्टेम की जो हाइट होगी वो लॉन्ग होगी, यानी कि ये टॉल है। तो पूछा गया है कि इन दोनों के क्रॉस से जो संतानें उत्पन्न होंगी उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, संतानें मीन्स बच्चे जो पैदा होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, 75% रिसेसिव, 50% रिसेसिव, 25% रिसेसिव एंड ऑल डोमिनेंट। तो सबसे पहले तो एक बात कि जो फ्लॉपी प्लांट में हाइट के लिए हम स्टेम की हाइट के लिए हम टी जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास दो एलेल होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल टी है, ये जो कैपिटल टी है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज अ डोमिनेंट जीन, ये एक डोमिनेंट जीन है और ये रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए। ठीक है, और जो दूसरा जीन है ये रिसेसिव जीन है, स्मॉल टी जो है वह रिसेसिव जीन है और ये रिस्पॉन्सिबल है ड्राफ्टनेस के लिए। ठीक है, ये ड्राफ्ट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, सिंपली हम इनके बीच में क्रॉस करा देंगे। तो चलिए क्रॉस कराते हैं। तो एक तरफ हमने ले लिया स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस है और ये हेटरोजाइगस है। क्योंकि ये होमोजाइगस है तो यहाँ पर जो ऑफिस गैमिट्स बनेंगे वो सिंगल टाइप के बनेंगे, और ये हेटरोजाइगस है तो यहाँ पे जो गैमिट बनेगा वो दो प्रकार के बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो अगर ये वाला गैमिट इसके साथ क्रॉस करता है तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका जेनेटिक मेकअप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगर ये वाला इसके साथ क्रॉस करता है तो जेनेटिक मेकअप रहेगा हमारा स्मॉल टी। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया टॉल और ये हो गया ड्राफ। ठीक है, तो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर को, तो ये हुआ डोमिनेंट, हालांकि ये हेटरोजाइगस है बट इट इज डोमिनेंट, और ये रहा रिसेसिव। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा रिजल्ट क्या रहा, हमारा रिजल्ट रहा दो टाइप के ऑफस्प्रिंग होने के चांसेस हैं, 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहा वो रहा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि 50% रिसेसिव। तो बच्चों अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इमीडिएटली यहाँ पर जो आपको पैटर्न्स दिए गए हों उनमें क्रॉस करा के देख लीजिएगा और आपका आंसर बहुत ही कम समय में निकल आएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको इस तरीके के क्वेश्चन जब नीट एग्जामिनेशन में आए तो आप बहुत जल्दी उनको सॉल्व कर पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को समझने के लिए या सॉल्व करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, हम जल्दी से जल्दी उसको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।